Hello and Namaste, myself Suraj Amsam from MindMagma, and in this video we are going to cover a topic which is drilling pattern. इसमें हम लोग drilling pattern के एक basic drilling pattern का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद drilling pattern के nomenclatures क्या क्या होते हैं according to their positions. Now basically हम लोग drilling pattern करते क्यों है, उसकी requirement क्या होती है, हम लोग क्यों करते हैं drilling pattern, और फिर उसके बाद हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे कि वो ड्रिलिंग पैटर्न में जो होल्स बनते हैं उनके नाम क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है. उसके बारे में हमें ड्रिलिंग पैटर्न्स के बारे में समझने से पहले उनके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझ लेना ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे जाके हमको जब हम ड्रिलिंग पैटर्न्स के बारे में कवर करेंगे उस बारे में हमको और अच्छे से आइडिया आए. सो Before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. Okay, so let us start कि पहले ये ड्रिलिंग पैटर्न का मतलब क्या है. अगर हम बेसिक इस वर्ड को लेके समझने की कोशिश करें कि ड्रिलिंग पैटर्न जो हमारा आज का टॉपिक है इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट है, एक है हमारा ड्रिलिंग, एक है हमारा पैटर्न. तो अगर इसको एज अ लेमन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें हम लोग ड्रिल होल्स बना रहे हैं एक प्रॉपर पैटर्न में. उस पैटर्न में हम लोग क्यों बना रहे हैं उसकी भी एक पर्सनल क्या बोल सकते हैं उसका भी एक डेफिनेशन है कि हम लोग इस चीज को पैटर्न को क्यों बना रहे हैं. तो जो मेन गोल होता है हमारा जो पैटर्न बनाने जो मेन गोल होता है वो मेन गोल हमारा यही है कि हम लोगों को एक प्रॉपर ऑप्टिमम नंबर ऑफ करेक्टली मतलब अच्छे जगह पे प्लेस क्या बोलते हैं ड्रिल होल्स हम लोगों को मिल जाए, और उसके ज्यादा हमको ये चीज इसमें हेल्प करेगा कि हम लोगों को एक सक्सेसफुल चार्जिंग और ब्लास्टिंग हो पाए और हमको जैसा रिक्वायरमेंट है हमारे स्मूथ टनल वॉल्स का, हमारे रूफ का, हमारे जो टनल के फ्लोर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कौन सा पैटर्न सूट करेगा. ये होता है हमारा रीजन कि हम लोग इधर ड्रिलिंग पैटर्न यूज क्यों करते हैं. अभी ये हो गया कि हमारा ड्रिलिंग पैटर्न का एक बेसिक मतलब क्या होता है और हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न क्यों यूज करते हैं. नाउ लेट अस गो टू आवर पार्ट व्हिच इज कि हम लोग अभी कुछ नॉमेनक्लेचर्स के बारे में समझेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द होल्स. तो बेसिकली आप हमारे पीछे एक वर्किंग फेस देख पा रहे होंगे, राइट. तो इसके सेंटर में आप देख पा रहे होंगे जो है कट. कट बेसिकली एक चीज हम बोल सकते हैं कि कट जो है वो इनिशियल होल्स हम लोग ड्रिल करते हैं हमारे कोई भी ऐसे फेस में जहां पे हम लोगों को एक फ्री फेस चाहिए होता है. ये जो ड्रिलिंग पैटर्न है ये बेसिकली उसी पार्ट पे बनते हैं. तो ये हो गया हमारा एक कट. नाउ अभी जो ये हो गया हमारा इनिशियल कट, अभी इसके सराउंडिंग में आप और भी होल्स देख पा रहे होंगे इस कट के सराउंडिंग में. इन होल्स को हम लोग बोलते हैं स्टोपिंग होल्स. अभी स्टोपिंग होल्स के एडिशनल होल्स और भी होल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में है. तो इन होल्स को उनके पोजिशन के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसा कि वॉल होल है हमारा, रूफ होल्स है और हमारा फ्लोर होल्स है. तो अभी ये नाम इनको उसी सिचुएशन में मिले हैं जहाँ पे इनका प्लेसमेंट है. तो अभी जो भी होल्स सबसे कट के सबसे पास में है वो सारे होल्स को हम लोग बोलते हैं स्टोपिंग होल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कट स्प्रेडिंग होल्स. कट स्प्रेडिंग होल्स बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा इनिशियल कट होता है, हम जब ड्रिलिंग होल्स हम लोग बना रहे होते हैं, जो हमारा कट वाला पार्ट आप देख रहे हैं वहाँ कट वाले पार्ट में हम लोग एक कट स्प्रेडिंग होल्स. कट स्प्रेडिंग होल्स का मतलब कि हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे हम लोग एक ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाहर के जो होल्स बन रहे हैं वो सारे होल्स अकॉर्डिंगली उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उसको फ्री फेस को बनाने में उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं, राइट. और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जैसे कि जो सरफेस के जो सबसे टॉप वाले पार्ट में उस पार्ट के जो होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टोर होल्स. देन उसके बाद सबसे नीचे जो सबसे बॉटम पार्ट होता है जो फ्लोर होल्स होते हैं उनको हम लोग लिफ्टर्स भी बोल सकते हैं, राइट. तो ये हो गया हमारा एक होल नॉमेनक्लेचर डायग्राम जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझा कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज क्या क्या नेमिंग्स होती हैं इसमें. सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग इन होल्स के वर्किंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें तीन बेसिक होल्स होते हैं. एक जो होता है हमारा सेंटर होल, नेक्स्ट इज आवर ईजर होल, और हमारा तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ट्रिमर या फिर हम लोग ड्रेसर होल बोल सकते हैं. सो इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. तो जो हमारा सेंटर में कट होल है
ये कट होल बेसिकली होता क्या है? कट होल बेसिकली हमको कट होल इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि हम एक फ्री फेस प्रोवाइड कर पाए उसके सराउंडिंग होल्स में, जो हमारे ईजर होल्स है यहाँ पे, उसके जो कट होल्स के सराउंडिंग में जो हमारा होल्स है उसको एक फ्री फेस प्रोवाइड कर पाए। अभी बहुत ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये फ्री फेस का मतलब क्या होता है। तो अभी आप मान लीजिए कि मेरे पीछे जो वॉल है ये हमारा एक वर्किंग फेस है, ओके। अभी अभी जो ये मेरे सामने जो एक ओपन स्पेस है, अभी हमारा काम हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है मेरे पीछे की तरफ, और मैं जहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ आप इसको एक फ्री एरिया बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फेस हो गया और ये जो एरिया ये फ्री है, तो अभी जो भी ब्लास्टिंग होगा ये फेस पे, जो इस फेस वाले पोजिशन पे जो भी ब्लास्टिंग होगा वो हमारा फॉल्ड आउट करेगा अपने फ्री स्पेस पे, राइट। अभी अभी हम लोग उस, अगर हम लोग को पता है कि ये यहाँ पे फ्री फेस है, यहाँ पे हमारे पास फ्री फेस है, हमारा ब्लास्टिंग यहाँ पे हो रहा है, तो अभी ये जो ब्लास्टिंग हो रहा है तो ये तो सामने फॉल डाउन कर जाएगा। तो हमारा मेन सवाल पता है कि हम लोग फिर इसमें सेंटर में कट क्यों देते हैं? बेसिकली हम लोग सेंटर में कट इसीलिए देते हैं ताकि हम लोगों का जो इस फेस के पीछे वाले जो पोर्शन है, जो फेस के पास एक फ्री फेस नहीं है बिकॉज उसके सामने भी दीवार आ रही है, राइट। तो इस फ्री फेस, इस फेस के पीछे जो वाला एरिया है उसको एक फ्री फेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सेंटर पे सबसे पहले उसको हम लोग होल्स देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कट होल। ये कट होल जो होता है ये फ्री फेस प्रोवाइड करता है उसके सराउंडिंग होल्स में। अभी यही सराउंडिंग होल्स में फ्री जो कट होल्स के बाद हमारी दूसरी चीज आती है, दैट इज ईजर होल। ईजर होल का काम यही होता है कि जो ब्लास्ट हम लोगों को मिल चुका है अभी सेंटर में, फ्री फेस मिल चुका है, राइट। तो अभी फ्री फेस मिल चुका है तो अभी हमारे जो उसके सराउंडिंग वाले होल्स है वो क्या करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे, वो उस जो भी मटेरियल है वहां पे वो फेस को और तोड़ेंगे, राइट। तो सेकेंड वाले जो होल्स हमारे जो ईजर होल्स में ब्लास्टिंग वो होती है हमारी उस वॉल को तोड़ने के लिए और उस फेस को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ये हो गया हमारे ईजर होल के बारे में। नाउ द लास्ट वन इज आवर ट्रिमर, या फिर जिसको हम लोग ड्रेसर होल्स बोलते हैं। तो ट्रिमर होल्स, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ट्रिमर होल्स ये करता है कि अभी हम लोगों का काम चल रहा है एक फेस में, तो हमको यही फेस पे हम लोगों को वही सेम हाइट, वही एक यूनिटी मेंटेन करके रखना है ताकि हम उसी सेम हाइट में उसी के साथ साथ हम लोग आगे को क्या बोलते हैं, आगे हम लोग उस चीज को कंटिन्यू कर पाए उसी सेम मैनर के साथ। तो इसी चीज के लिए, इस चीज में हम लोग को जो होता है ट्रिमर होल्स या फिर ड्रेसर होल्स होते हैं, जो आउटवर्ड्स की तरफ होता है और वो ब्लास्टिंग आउटवर्ड्स की तरफ होके हमको एक प्रॉपर शेप में हम लोगों को वर्किंग हो पाए, जो शेप हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसी में हम लोगों का काम हो पाए। तो ये हो गया हमारा तीसरा, दैट इज ट्रिमर होल। तो ये बेसिकली तीन चीजें थी हमारे कट होल की, कट होल क्या होता है, हमारे ईजर होल्स और हमारे ट्रिमर होल्स क्या होते हैं, बेसिक नॉर्मल फ्रेचर क्या था, ड्रिलिंग पैटर्न क्या होता है, उसका बेसिक मतलब क्या होता है, वही चीज इसका यूज है, और फिर हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न क्यों हम लोग इस चीज का यूज करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब हम आगे वाले वीडियोस में हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न्स के बारे में समझने वाले हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल द बेसिक पार्ट विच यू शुड नो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न्स। सो make sure to like, share and subscribe our YouTube channel. If you have any doubts, please drop down in our comment section. We'll get back to you, and thank you from my mind.